नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तब ओटीटी पर नहीं दिखेगा अश्लील कंटेंट, सरकार ने कर दी है बड़ी तैयारी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो है अब अश्लील कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा। दरअसल ओटीटी को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने एक नई पॉलिसी ड्राफ्ट की है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री एन मुरुगन ने बुधवार को जो है इस बात की घोषणा यहाँ पर की। वह केंद्रीय राज्य मंत्री ने ओटीटी पर ड्राफ्ट की गई पॉलिसी को फीडबैक और पब्लिक इनपुट के लिए भेजा है। फीडबैक मिलने के बाद ओटीटी पर दिखाए जाने वाले, प्रसारित किए जाने वाले कंटेंट को लेकर पॉलिसी को जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। वह लंबे समय से ओटीटी को रेगुलेट करने की बात जो है वो की जा रही है, यानी ओटीटी को रेगुलेट करने की जो है बात यहाँ पर कही जा रही है। गाइडलाइंस को लेकर जो है कई बार सवाल भी उठ चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि मौजूदा सेल्फ रेगुलेटरी गाइडलाइंस में ओटीटी सर्विसेज प्रोवाइडर दिखाए जाने वाले कंटेंट के लिए केवल डिस्क्लेमर लिख देते हैं। ये कंटेंट मेच्योर दर्शकों के लिए है या आवश्यक होने पर पेरेंट के मार्गदर्शन की सलाह लेनी चाहिए। इन आवश्यक कदमों के बावजूद भी ओटीटी पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर बहुत सारी शिकायतें जो है प्राप्त हुई है। कई शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि कई ओटीटी प्लेटफॉर्म गाइडलाइंस का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए ओटीटी पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टमेटिक नीति तैयार करने का फैसला किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ओटीटी पर कोई भी आपत्तिजनक चीजें जो है प्रसारित किए जाने पर रोका जा सके। वह इसके लिए इंडस्ट्री से फीडबैक जो है लिया जा रहा है, ताकि स्टॉक होल्डर्स और दर्शकों का बड़ा पैमाने पर ध्यान जो है रखा जा सके। इसके अलावा सरकार प्राइवेट FM चैनल को न्यूज बुलेटिन चलाने के लिए परमिट देने पर भी जो है विचार कर रही है। वही समय केवल सरकारी रेडियो चैनल आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो पर ही समाचार प्रसारित किए जाते हैं। प्राइवेट FM रेडियो चैनल को इसकी परमिशन मिलने के बाद वह समाचार प्रसारित कर सकेंगे। इसके लिए भी इंडस्ट्री से जुड़ी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनसे जो है यहाँ पर फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है। अभी बड़ी खबर की बात करें तो रिलायंस जियो का दिवाली ऑफर देखिए, दो रिचार्ज पर मिल रहा है हजारों रुपए का गिफ्ट। रिलायंस जियो ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए दिवाली धमाका ऑफर की घोषणा यहां पर कर दी है। दरअसल फेस्टिव सीजन के दौरान जियो यूजर्स को कंपनी दो रिचार्ज प्लान के साथ हजारों रुपए का गिफ्ट वाउचर भी जो है वो देगी। यूजर्स इन गिफ्ट वाउचर का इस्तेमाल करके ट्रेवल पोर्टल, फूड डिलीवरी और प्लेटफॉर्म और अन्य शॉपिंग वेबसाइट पर जो है वो कर सकेंगे। पहले भी कंपनी ने फेस्टिव सीजन के दौरान यूजर्स को एक साल तक के लिए जियो फाइबर का फ्री सक्सेसवन जो है वो सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री ऑफर में यहाँ पर किया था। रिलायंस जियो ने अपने धमाका ऑफर में जो है यूजर्स को दो प्रीपेड प्लान 899 रुपये और 3599 रुपये के साथ अपना नंबर रिचार्ज कराने का ऑफर दिया था, जिसमें एक प्रीपेड महीने 3 महीने वाला था, जबकि दूसरा एक साल तक के लिए वैलिडिटी था। जियो का 899 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को डायरेक्ट 2 GB डेटा का लाभ मिलता है। इसके अलावा यूजर्स को 20 GB एक्स्ट्रा डाटा भी दिया जा रहा है। इस तरह से यूजर्स को कुल जो है 200 GB का डाटा जो है वो प्राप्त जो है वो होगा। ये प्रीपेड रिचार्ज प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉल डेली 100 SMS अनलिमिटेड 5G बेनिफिट के साथ आता है। 3599 रुपये के वाले प्लान में 365 दिन की वैलिडिटी, 2.5 GB डेटा पर डे मिलता है, साथ ही अनलिमिटेड वॉइस कॉल डेली, फ्री SMS और नेशनल रोमिंग बेनिफिट्स जैसे कई इसमें यहाँ पर शामिल है। वही जियो इन दोनों प्लान से नंबर रिचार्ज करने पर यूजर्स को जो है 3350 रुपये तक का बेनिफिट ऑफर कर रहा है। यूजर्स को जो है 3000 रुपये तक का आईजी माई ट्रिप का वाउचर भी मिलेगा। इसका इस्तेमाल ट्रेवलिंग के लिए किया जा सकता है। वही 200 रुपये का अजियो वाउचर भी मिलेगा, जिसमें 999 रुपये से ज़्यादा की खरीदारी पर यूज़ किया जा सकता है। वही ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए 150 रुपये का वाउचर मिलेगा। जियो का ये ऑफर 5 नवंबर तक ही वैलिड है, यानी 5 नवंबर तक का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। इस ऑफर के लिए यूजर्स को जो है माई जियो ऐप पर जाना होगा, ऑफर सेक्शन में चुनाव करना होगा, उसके बाद माई विनिंग में जो है यूजर्स को कूपन दिखाई देंगे। ध्यान रहे कि मोबाइल रिचार्ज करने के बाद यूजर्स को ये वाउचर माई जियो ऐप में दिखाई देंगे। तो ये कुछ जानकारी जो है वो सामने आई है, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी आप तुरंत दबा दें, ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहें।